चाहिए आपको? जी चुनाव चिन्ह मिल चुका। जी जी जी, कौन सा चुनाव चिन्ह मिला आपको? मुझे पतंग का चुनाव चिन्ह मिला है। मेरी डिमांड भी पतंग की थी, पहले मेरी जो पसंद थी वो पतंग थी। अब जबकि चुनाव चिन्ह मिल चुका है तो आप मतदाताओं में किस प्रकार से जाएंगे? मतदाताओं में तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन अब चुनाव चिन्ह को बताने के लिए, क्योंकि चुनाव चिन्ह मेन चीज होती है इलेक्शन में, अब चुनाव चिन्ह का प्रचार करेंगे, बाकी लोगों से मिलना जुलना लगा ही रहेगा। क्या क्या मुद्दे आपके मुद्दे? तो भुटानी जी वही गांव में जो जिला परिषद के मुद्दे होते हैं, गांव की सफाई व्यवस्था हो गई, वहां के रास्ते हो गए, अपना पानी की जो समस्या मेन, जो महिलाओं की जो मेन समस्या है वो पानी की समस्या है, उस पर हम काम करेंगे। बाकी रास्तों का और बिजली का ये तो रहता ही है। मैं वोटर्स कितने आपके? 42,000 के आसपास। काफी बड़ा वार्ड आपका? हाँ जी, 24 गाँव है मेरे वार्ड। 24 गाँव है, किस प्रकार से मुकाबला मानते हैं? देखिए अभी तो मुकाबले में मेरे हिसाब से कोई है नहीं, अभी तक तो एक तरफा सही इलेक्शन है। बाकी देखो डागरपाल में अगर कोई निर्णय होता है, किसी एक कैंडिडेट पे समर्थन होता है तो उसी से मेरा मुकाबला रहेगा। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? स्मार्ट क्लासेज, इस चीज को लेकर स्मार्ट क्लासेज वगैरह को लेकर? स्मार्ट क्लासेज बच्चों की, बच्चों की स्मार्ट क्लासेज लगनी चाहिए गाँव में। अभी गाँव में गरीबी बहुत है, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें हम कोशिश करेंगे चौपालों पर, उन पर मतलब शिक्षा लगवाने, बच्चों को पढ़वाने की। क्या नाम है जी आपको? उदयवीर शर्मा। शर्मा जी आपके बेटे को पतंग मिली, क्या कहेंगे? पतंग मिली है जनता का, वार्ड नंबर 4 से मेरे बेटे को बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, पतंग सबसे ऊंची लहरावेगी दिनेश शर्मा की। बढ़िया आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, हम वार्ड में जा रहे हैं क्योंकि इसका, इसके स्वभाव को देख करके, इसके व्यवहार को देख करके लोगों का मतलब भारी बहुमत अब की बार मिल रहा है। आगे परमात्मा जो करेगा वो हमें स्वीकार होगा। जैसे ये गांव का चुनाव है, छोटी सरकार है गांव की, तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा लोगों को? देखिए जो सरकार ग्रांट देती है, अब तो जिला परिषद में काफी ग्रांट भी मिलती हैं, बाकी हमारे इस बेटे की भावना कोई लालच की भावना से ये नहीं खड़ा हुआ, ये तो केवल लोगों की सेवा करने के लिए, इसकी भावना में लोगों की सेवा करूं, जन समुदाय की में जाकर के उनकी सेवा करूं, उनकी समस्याओं को सुनूं, उनकी समस्याओं को आगे पहुंचाऊं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।